घर की चार दीवारी से शुरू होती है घरेलू हिंसा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने यह कथन आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कसेरपारा शक्ति जिला में छात्र छात्रों को संबोधित करते हुए कहे थे। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी के निर्देश और तालुका विधिक सेवा समिति शक्ति द्वारा विधिक एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी आर साहू मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि भीतर होने वाले अपराध को रोकना बहुत ही जरूरी है, यानी कि घरों के अंदर जो अपराध हो रहे हैं इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो घर के चार दीवारी के अंदर होता है। बीआर साहू ने आगे कहा कि परिवार की महिला सदस्य को पति या परिवार वालों द्वारा मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। उन्होंने आगे बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि कानून में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। इस अवसर पर आत्मानंद स्कूल के विधायक प्रतिनिधि अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कानूनों से बंधे हुए हैं, इसलिए छोटे छोटे कानूनों की जानकारी हम सभी को होना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में अधिवक्ता नरेंद्र पटेल ने कानून के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाला परिसर द्वारा अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिका प्राध्यापक आदि उपस्थित रहे। जो कार्यक्रम है वो विधिक अवेयरनेस समाज में लाने के लिए हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। ये कार्यक्रम जो है विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके माध्यम से संचालित होता है। इसमें अभी आज हमने शाला में विधिक शिक्षकों से भी आयोजित किए हैं, बच्चों को कानून से संबंधित जानकारी प्रदान किए हैं और ऐसी जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। तो ये भी उसी कड़ी के अंतर्गत आज का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों को आज घरेलू हिंसा के बारे में, बाल विवाह के बारे में और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 1500 के बारे में जानकारी दी गई।